अशोक कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, ये 18 नवंबर 2003 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। इस मामले में अशोक कुमार पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल की। मामला ये था कि अशोक पांडे ने एक न्यूज चैनल पर, एक टीवी चैनल पर एक खबर सुनी और देखी कि कोई धनंजय चटर्जी नाम का व्यक्ति है और वो वेस्ट बंगाल में एक जेल में बंद है, कलकत्ता में, और उसको डेथ पेनल्टी दी गई है। डेथ पेनल्टी दिए हुए काफी समय हो गया है, उसके बाद में जो है उसने मर्सी पिटीशन भी गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास अप्लाई की है, जो डिक्लाइन हो चुकी है। तो काफी समय बीत गया है और उसका काफी मेंटल टॉर्चर हुआ है। तो ये सब देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने जजमेंट त्रिवेणी बेन का जो केस है, उसके अनुसार उसकी जो डेथ पेनल्टी है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए। ये जब पिटीशन कोर्ट के सामने आई तो बेंच ने पूछा कि आप कौन है और आपका लोकस क्या है, आप इस केस में आर्टिकल 32 में यहां पर कैसे आ सकते हैं, आपका कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है। तो इस पर अशोक कुमार पांडे ने कहा कि मैं एक पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन हूं और मैं पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन होने के चलते इस मामले में चाहता हूं कि जो इस डेथ कन्विक्ट के साथ एक तरह से उसका हरासमेंट हो रहा है और लंबे समय से उसका मेंटल एक तरह से टॉर्चर हो रहा है, उसके चलते अब उसको, उस पर जो त्रिवेणी बयान वाला जो जजमेंट है उसी के अनुसार उसकी भी डेथ जो पेनल्टी है उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाए और टेक्निकलिटीज के मामले में नहीं पड़ना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस मामले में कहा कि इस केस को शुरू करने से पहले हम पीआईएल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, और ऐसा कहते हुए बेंच ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पूरा डिटेल में अपनी बातें कही। बेंच ने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का ऐसा एक फॉर्मेट है कि जो अब रहने वाला है और वो काफी हेल्पफुल भी है और उसमें काफी उसका मिसयूज भी हुआ है। ऐसा भी हुआ है इन सालों में कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन अब पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन या प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन या पैसा इनकम लिटिगेशन, इस तरह से कोर्ट ने कहा कि कई तरह के इसके यूज हो रहे हैं। लोग पब्लिक स्पिरिटेड या पब्लिक इंटरेस्ट में न जा करके एक काफी एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो इसमें पर्सनल एनमिटी वेनेजेंस उसको पूरा करने के चक्कर में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करता है। चूंकि हुसैन आरा खातून और उसके बाद स्पेसिफिकली एसपी गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि आर्टिकल 32 में जो लोकस है उसको एक तरह से वेव ऑफ करते हुए कहा कि कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन कोर्ट पहुंच सकता है जब भी ऐसा लगता है कि किसी ऐसे जो पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मैटर है और जहां पर ऐसे लोग या ऐसा क्लास या ऐसा ग्रुप जो कोर्ट नहीं पहुंच सकता है, उन लोगों के बिहाफ पर कोई भी कोर्ट में आ सकता है। लेकिन उसके बाद इसमें काफी इसका मिसयूज हुआ है। फिर कोर्ट ने कई केसेस भी बताए कि किस किस तरह से कई अलग अलग केसेस में इसका मिसयूज हुआ है, और वो सब करते हुए कोर्ट ने कहा कि जो कोर्ट का इंटेंशन पीआईएल शुरू करने का था वो ये था कि जो लोग कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते या जिनको पता नहीं होता कि कोर्ट में रिलीफ मिल सकता है, उन लोगों को जेन्युइनली उनके जो फंडामेंटल राइट है उनको इन्फोर्स करने के लिए पीआईएल का एक तरह से इन्वेंशन हुआ था, पीआईएल शुरू हुई थी और इसको इनकरेज किया गया था। लेकिन अब समय के साथ इसका मिसयूज बढ़ गया है और ऐसा हो गया है कि आर्टिकल 32 में कोई भी आ जाता है और उसमें जो एक जो जेन्युइन लिटिगेंट है, जिनका सच में कोई लीगल जो राइट है या जिनके फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने की बात है, जो जेन्युइन लोग हैं उनका टाइम एक तरह से बहुत सी ऐसी फ्राइवोलस और वेक्सेशियस पिटीशंस जो होती हैं पीआईएल के रूप में वो ले लेती हैं। तो ये सब बातें कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल पीआईएल में अगर आप पीआईएल के हिसाब से आ रहे हो, किसी इंडिविजुअल के लिए आ रहे हैं, तो
सबसे बड़ी बात यह है कि आप तब भी आ सकते हैं कि तब भी आप दूसरे के नाम पर कोर्ट में पहुंच सकते हैं जब कहीं इस तरह से लीगल डिसेबिलिटी हो, कोई माइनर हो या कोई इंसेनिटी से सफर कर रहा हो, तब तो आप आ सकते हैं। नॉर्मली आप किसी के बिहाफ पर कैसे आ सकते हैं? तो ये सब बातें कहते हुए ये जो अशोक कुमार पांडे की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी, लेकिन कोर्ट उस पर नहीं इम्पोज की। आज भी जो है पीआईएल जिस तरह से फाइल की जाती है और जिस तरह से डिसमिस भी की जाती है, कोर्ट भी इम्पोज की जाती है, उस हिसाब से अभी भी लगता है कि जो अशोक कुमार पांडे की 2003 की जजमेंट है आज भी उतनी ही रिलीवेंट है।